बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त एकदम बिरयानी। बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। एकदम बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ के जी मैंने राइस लिए हैं, उनको तकरीबन मैंने 10 मिनट पहले भिगो कर रख दिया है। 6 अदद मेरे पास है अंडे, उनको मैंने बॉयल कर लिया है। एक प्याली है मेरे पास दही। टमाटर है मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उसको मैंने सिंपल स्लाइस में कट करके रख लिया है। अदरक लहसुन को चॉप कर लिया है। इमली है मेरे पास थोड़ी सी। बिरयानी मसाला है, हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, नमक है मेरे पास 1 टीस्पून, तेज पत्ता है, एक दो दालचीनी की स्टिक्स हैं, एक बड़ी इलायची है और 2-3 लौंग हैं। 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, उनको मैंने लंबाई में कट कर लिया। ये देखें जी, यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने आयल शामिल करके पहले से रखा हुआ था, क्योंकि मैंने तेल लगाने के लिए प्याज पहले से फ्राई करके निकाल लिया था। अब मसाला बनाने के लिए 3 मीडियम साइज़ की जो प्याज थी उसको सिंपल स्लाइस में कट करके रखा हुआ था, इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है, अच्छा सा कलर आ जाए इसको। ये देखें जी, दूसरी तरफ मैंने एक पतीले में चावल बॉईल करने के लिए पानी शामिल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून है नमक, 2-3 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 4 अदद लौंग है, एक बड़ी इलायची है और एक तेज पत्ता है। इन सब चीज़ों को शामिल करेंगे। बॉयल आने के बाद मैं इसके अंदर 1 to 2 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सिरका, ताकि चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो जाए, आपस में जुड़े ना। अभी प्याज मुकम्मल तौर पर फ्राई नहीं हुआ, हमें लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर चाहिए इसका। अभी ये वाइट वाइट है, इसको मजीद फ्राई करेंगे। प्याज हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है, देखें कितना ज़बरदस्त इसको कलर आ गया, गोल्डन सा कलर आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चॉप किया हुआ। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर नरम हो चुके हैं, अब इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली दही। अच्छे से मिक्स कर लें। दही ऐड करने के बाद सारे मसाले जो पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ वो ऐड कर देंगे, ताकि दही के पानी में भी ये अच्छी तरीके से भुन जाए। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है, ताकि अच्छी सी खुशबू मसाले की जो भूनने वाली होती है वो आना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर बॉयल किए हुए अंडे शामिल करेंगे। ये देखें जी, मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे बॉयल किए हुए अंडे, अच्छे से मिक्स कर लें। अंडे शामिल करने के बाद इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल थोड़ी सी दम वाली आंच पे इसको कवर करके रखेंगे, ताकि सारे मसाले अंडों के अंदर शामिल हो जाएं, अब्सॉर्ब हो जाएं। मैं हाफ़ के जी राइस की बिरयानी बनाने लगी हूँ, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आप इन्हीं सारी चीज़ों को डबल करते जाएँ। देखें जी, बहुत अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है अंडों के अंदर रच गया है, जज्ब हो गया है। अब अंडे हम एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। फिर चावलों की तह लगाएंगे मसाले के साथ। थोड़ा सा मसाला बस कढ़ाई में मैंने बचा लिया है, बाकी अंडों के साथ मैंने हाफ जो है वो मैंने निकाल के रख लिया है। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम थोड़े थोड़े करके चावल शामिल करेंगे तह लगाने के लिए। अच्छे से हर तरफ फैला लेंगे, ताकि एक लेयर सी बन जाए।
अब ऊपर अंडे और साथ मसाला शामिल करेंगे, इसकी एक लेयर लगा देंगे। अच्छे तरीके से हर तरफ फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम पुदीना, धनिया बारीक बारीक कटा हुआ वो शामिल करेंगे, लीमू बारीक बारीक स्लाइस में कटे हुए, सब्ज़ मिर्चें लंबाई में कटी हुई, सेंटर से सिंपल मैंने कट लगा लिया सब्ज़ मिर्चों को, फ्राई की हुई प्याज, अगेन ऊपर चावलों की एक और लेयर लगाएंगे। चावलों की एक और मैंने लेयर ऊपर लगा दी है। अब इसके ऊपर दोबारा से शामिल करेंगे पुदीना, लीमू, सब्ज़ मिर्चें, बारीक बारीक कटा हुआ धनिया, फ्राई की हुई प्याज। अब इसके ऊपर जरदा रंग होता है जो, उसको दूध में मिक्स करके फ्यू ड्रॉप्स हर तरफ ऐड कर देंगे। सबसे लास्ट में केवड़ा एसेंस के चंद कतरे डालेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ देंगे। एकदम बिरयानी हमारी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की। डिश आउट करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, डिश आउट करने के बाद एकदम बिरयानी की फाइनल लुक कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, कितने अच्छे कलर आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। टेस्टी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस टाइम। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।